हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, क्या आप लोग भी चाहते हैं कुछ इस प्रकार का सैड फोटो एडिटिंग करना, जो कि देख सकते हैं कितना है अच्छा ऑसम दिख रहा है, कितना ही मतलब एकदम बहुत ही सैड फोटो एडिटिंग हुआ है जो कि आप लोग देख सकते हैं एकदम रियलिस्टिक दिख रहा है, पोज भी एकदम सैड हुआ है आप लोग एकदम दिख रहा है, मतलब एकदम दिखने में रियलिस्टिक दिख रहा है। और इसका जो ओरिजिनल पिक है कुछ इस प्रकार का है, जो देख सकते हैं आप लोग भी कुछ इस प्रकार का फोटो एडिटिंग फोटो शूट करा सकते हैं। आप चाहें तो किसी और पोज में आपका सैड फोटो, बस आपका जो जो फेस यहाँ है दिखा दे रहा हूँ, जो जो चेहरा है मतलब कुछ सैड सा होना चाहिए, उतने से आपका फोटो सैड हो जाता है और कुछ नया लुक आ जाता है। देख सकते हैं कितना ही अच्छा दिख रहा है। अब हम लोग जो ओरिजिनल पिक है कुछ इस प्रकार का है और जो एडिटिंग किया है कुछ इस प्रकार का है। तो इस प्रकार का सैड फोटो एडिटिंग करने के लिए वीडियो का एंड तक बना रही है, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी आज का मजेदार होने वाला है। और देख सकते हैं कुछ नया ही तरीका से इसको एडिट किया गया है, आप लोग देख सकते हैं पहला बार ऐसा आप लोगों को वीडियो देखने को मिला होगा इस तरह का सैड फोटो एडिटिंग। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने फोटो को जो ओरिजिनल पिक है इसको अपने लाइटरूम ऑफिस में शेयर करेंगे, शेयर कर लेते हैं अपने लाइटरूम ऑफिस में अपने फोटो को। तो यहाँ शेयर कर रहे हैं, जो कि अब दो बार टैप करने पर शेयर हो रहा है, जो पहले एक बार होता था अब दो बार करना है। तो मैंने फोटो यहाँ ऐड हो चुका है। अब आप लोग को एक पिक्चर दे दूंगा, मैं हर एक वीडियो में जरूर पिक्चर दे देता हूँ कि आप लोग ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े लाइटरूम एप्लीकेशन में। यहाँ से क्लिक करेंगे पिक्चर पे और थ्री डॉट क्लिक करेंगे, थ्री डॉट क्लिक करने के बाद से कॉपी सेटिंग करेंगे, कॉपी सेटिंग करने के बाद से डन करेंगे, डन करने के बाद से अपने ओरिजिनल पिक पे आएंगे, ओरिजिनल पिक पाने के बाद से थ्री डॉट क्लिक करेंगे और कॉपी पेस्ट कर देंगे, जो पेस्ट सेटिंग है पेस्ट कर देंगे। और आप लोग को देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का फोटो आप लोग का हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद से आप लोग को बता दूँ, देख सकते हैं जो मेरा जो शर्ट है कुछ वाइट कलर में था, देख सकते हैं कुछ वाइट तो ब्लू कलर में था, तो मैं इस तरह किया। और आप लोगों का अगर दिखा दे रहा हूँ, आप लोग अगर शर्ट कुछ और ही कलर में, अगर आप लोग शर्ट मान लीजिए येलो है, पीला कलर है, मान लीजिए हम लोग शर्ट पीला कलर है, तो पीला का आप लोग माइनस जो है इस तरह माइनस रहेगा, तो आप लोग इसको कम कर लीजिएगा, एकदम बराबर कर लीजिएगा, इसको प्लस हम लोग कर लेंगे तो आप लोग का बेकार नहीं दिखा। अगर आप लोग पीछे यूज कर रहे हैं तो आप लोग का अगर शर्ट आप लोग का पीला है और पीछे यूज कर रहे हैं तो आप लोग का शर्ट खराब कर लगेगा, इसीलिए पीला आप लोग कलर अगर शर्ट पीला है तो इसको बढ़ा लीजिएगा, अगर इस तरह का ब्लू है तो इस तरह कर लीजिएगा, अगर ग्रीन है तो इसको भी बढ़ा दीजिएगा, इससे आप लोग का मतलब शर्ट का कलर ख़राब नहीं होगा। तो इतना हो जाने के बाद से अपने फोटो को डन करेंगे, अपने फोटो में गैलरी में सेव करेंगे। अपने फोटो को यहीं से हम शेयर कर लेते हैं अपने ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में, जहाँ से अपने फोटो की स्मूथ करना है। सो हम लोग का फोटो शेयर हो रहा है, जो कि ये अपने ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में शेयर करते हैं। यहाँ से फोटो को स्मूथ करना है, जो कि आप लोग जानते ही होंगे स्मूथ करना नहीं जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा, एक नया वीडियो बना दूंगा केवल स्मूथ के लिए, जो कि ये हम लोग फोटो एड हो चुका है, जो कि स्मूथ करना है इस फोटो को हम लोग को। जैसे कितना ही एकदम बेकार दिख रहा है ये फोटो, काफ़ी मतलब बहुत ही बेकार दिख रहा है, थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा है फोटो देखने में, लेकिन आप लोग देखिए इसको एडिटिंग किया किस तरह का है, तो कुछ इस प्रकार का है। तो अपने ब्रश को मैं लूँगा, ये वाला ब्रश जानते होंगे आप लोग, इस ब्रश को ले लेंगे। अपने जो साइज है अपने हिसाब से रख सकते हैं, स्ट्रेंथ है इसको आप रख लीजिएगा जो 6 है, इसको आप लोग एड कर लीजिएगा, जो कि इस एडिटिंग में जो देख सकते हैं चेहरा कुछ डॉट डॉट आ गया है, तो जल्दी से मिटेगा नहीं, और हार्ड रहेगा तो मिट जाएगा। इतना करने के बाद अपने हिसाब से साइज कर लेंगे, अपने स्मूथ करेंगे, देख सकते हैं किस तरह स्मूथ कर रहा हूँ, इस टाइप से आप लोग स्मूथ कीजिएगा, देख सकते हैं कितना अच्छा से स्मूथ हो रहा है। आप लोग को बताया होगा मैं राउंड राउंड स्मूथ कीजिएगा, अपने जो फिंगर है जब लोग फिंगर इसको राउंड राउंड चलाइएगा, आप जितना ही राउंड राउंड चलाएंगे अगर, तो देख सकते हैं कि लकीर आई थी ब्लैक ब्लैक लकीर जो दिखा दे रहा हूँ आपको, इस प्रकार से आप लोग आ जाती है, देख सकते हैं आप लोग अगर चलाएंगे इस तरह, अगर आप लोग गोला गोला चलाएंगे ना गोला गोला तो अच्छा होगा, तो कुछ इस प्रकार कर लीजिएगा। जो हम लोग साइज सेलेक्ट हो चुका है, इतना करने के बाद से अपनी फोटो के जरिए हम स्मूथ कर ले रहे हैं, आप लोग आराम आराम से कीजिएगा, क्योंकि ये मान लीजिए हमें आप लोग को बात पता ही होगा, अगर स्मूथ करने लगेगा तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा और इतना लंबा वीडियो आप लोग देख ही नहीं पाएंगे, तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ। Thank you.
सो फाइनली देख सकते हैं हम लोग का स्मूथ हो चुका है, जो कि कुछ कुछ अच्छा दिखने लगा है हम लोग का फोटो, जो कि काफ़ी बहुत बेकार दिख रहा था पहले, जो कि पहले से कुछ अच्छा दिखने लगा है कुछ कुछ। सो लास्ट एकदम अच्छा दिखने लगेगा कुछ इतना हो जाने के बाद से। ऐसे लेयर बनाएंगे प्लस पर क्लिक करके, और लेयर पर क्लिक करेंगे और अपने कलर्स पे आ जाएंगे। कलर्स आने के बाद से ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेंगे, जो आपको कलर चाहिए कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अपने लिप्स को यहाँ से कलर कर लेंगे, तो हम लोग ये वाला ब्रश ले लेंगे जो कि मीडियम ब्रश है, ये वाला ट्रेडिशनल में आएगा। और इसका सेटिंग देख सकते हैं कुछ प्रकाश रन दीजिएगा, अपने लिप्स को कलर कर लीजिएगा यहाँ से। कुछ इतना हो जाने के बाद से अपने लेयर पर क्लिक कीजिएगा और ओपेसिटी को आप कम कीजिएगा, और देख सकते हैं नीचे दिख रहा है ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग पर क्लिक कीजिएगा और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इतना कर लेने के बाद से आपकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर, जितना अच्छा उतना आप रख सकते हैं, जितना लिप्स है उतना लिप्स आप कलर कर सकते हैं। हम लोग को हल्का सा करना है कुछ, इतना इतना अच्छा दिख रहा है, इतना रहने देंगे, इतना डन करेंगे। अपने फोटो कम गैलरी में सेव कर लेते हैं पहले। देख सकते हैं हम लोग का जो फोटो अपने गैलरी में सेव हो चुका है। अपने फोटो को बैकग्राउंड को इरेज करेंगे, जो कि लोग बता रहे हैं किस तरह क्या करना है। पहले डाटा को ऑन कर लेंगे, क्योंकि फोटो एप्लीकेशन में हम लोग का बैकग्राउंड को इरेज करना है। पहले अपने डाटा को ऑन करेंगे और अपने फोटो एप्लीकेशन में शेयर करेंगे अपने फोटो को, जो कि रहा हम लोग फोटो एप्लीकेशन। आप लोग प्ले स्टोर पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आप लोग आसानी से मिल जाएगा। और देख सकते हैं हम लोग का बैकग्राउंड जो है इरेज हो चुका है। इरेज होने के बाद से आप लोग देख रहे हैं थोड़ा प्रोसेसिंग कर रहा है, डाटा मेरा थोड़ा स्लो है। ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा आप लोगों को, ट्रांसपेरेंस तीसरा नंबर का ट्रांसपेरेंस, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से ऊपर शेयर पर क्लिक करेंगे। शेयर क्लिक करने के बाद से यहाँ से गैलरी सेव टू गैलरी कर लेंगे, जो हम लोग फोटो पीएनजी बन चुका है, अपने गैलरी में सेव हो चुका है। इतना करने के बाद से अपने फोटो को अपने हम शेयर करेंगे पिक्सल एप्लीकेशन में, जहाँ से अपने फोटो को पीएनजी वगैरह लगाएंगे, और गर्ल्स को जो जा रही है गर्ल्स उसको लगाएंगे। तो अपने फोटो को अपने पिक्सल एप्लीकेशन में शेयर कर लेते हैं पहले। तो जो हमने फोटो को स्मूथ किया था, जिस फोटो को हमने स्मूथ करने किए थे अपने आर टू एप्लीकेशन में, उस फोटो को शेयर करेंगे अपने पिक्सट एप्लीकेशन में। यहाँ शेयर कर लेते हैं, थोड़ा उल्टा पुल्टा हुआ है, जो आप लोग ध्यान से कीजिएगा, थोड़ा मतलब इधर उधर किए हैं, जो कि तभी इस तरह बना है। आप लोग थोड़ा ध्यान देखेंगे तभी हो पाएगा। अपने जो स्मूथ किए हैं उस फोटो को ऐड करेंगे पिक्सट में। पिक्सट पर ऐड करने के बाद से अपने एड फोटो में जाएंगे और उस गर्ल पीएनजी को ऐड करेंगे, जो हम कर लेते हैं, जो कि रहा मेरा गर्ल वाला बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आप लोग इजीली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिल पा रहा है, अगर आप लोग डाउनलोड करने में परेशानी हो रही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। तो कुछ इस प्रकार से साइज को बड़ा कर लेंगे, अपने बैकग्राउंड को सेट करेंगे, ओपेसिटी कम कर लेंगे, जो आप लोग का जो बैकग्राउंड का है जो गर्ल वाला बैकग्राउंड है ओपेसिटी कम करेंगे कुछ इस प्रकार से। और इतना करने बाद से अपने अच्छे से मतलब बैकग्राउंड को सेट कर लेंगे, और ऊपर जो इरेजर दिख रहा है इस इरेजर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से इन्वर्ट कर देंगे, इन्वर्ट करने के बाद से हार्डनेस को फुल करेंगे और इस तरह ड्रॉ करेंगे अपने बैकग्राउंड पर, जो आप लोग मैं दिखा दे रहा हूँ किस तरह करना है। काफ़ी आसान है, आप बस ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। आप लोग कीजिएगा, जो कि काफ़ी आसान है, बस आप लोग को फोकस करना है ध्यान से। देखिए मेन काम इसमें फोकस ही होता है। अगर आप लोग को एडिटर अगर थोड़ा भी एडिटिंग में च्वाइस है, अगर अच्छा लगता है एडिटिंग आप लोग को, तो ध्यान तो देना ही पड़ेगा कुछ इतना कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं हम लोग का बैकग्राउंड इरेजर हो चुका है, डन करेंगे, ऑपेसिटी को फुल कर देंगे। देख सकते हैं कुछ इतना प्रकार से इतना हो चुका है, इतना हो गया। अब इतना करने के बाद से एड फोटो में आएंगे और जो मैंने फोटो को बैकग्राउंड इरेज किए थे उस फोटो के यहाँ से एड करेंगे इस प्रकार से। एड करने के बाद इस तरह फिक्स कर देंगे। इस तरह करने के बाद से अपने बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और लड़की को थोड़ा और अपने साइड में लेकर आ जाएंगे, जो कि दिखे जिससे हम लोग लड़की जो दिख सके, दिखने से तो अच्छा दिखेगी ना। कुछ इतना कर देंगे, जो कि थोड़ा और दिखा दे रहा है, आप लोग अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा, जो कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। इतना रख लीजिएगा, इतना रख लेंगे। इतना करने के बाद से अपने फोटो पर क्लिक करेंगे जो एड किए हैं। एड करने के बाद से इरेज पाएंगे और जो फोटो रूम दिख रहा है आप लोग इसको इरेज कर देना है। इस पर ड्रॉ करेंगे तो आप लोग इरेज हो जाएगा आसानी से। इतना हो जाने के बाद से अपने फोटो को सिंपली यहाँ से
बस हाँ अपने फोटो अब डन कर लेंगे, इतना काफ़ी है। इतना करने के बाद देख सकते हैं जो हम लोग PNG है बैकग्राउंड में, जो लड़की जा रही है इधर वाला वो अपसेट हो चुका है, जो लग रहा है एकदम ओरिजिनल जा रही रही है। तो अपने हैंड में अपने गुलाब में फायर PNG लगाएंगे, अपने हैंड में गुलाब लाएंगे जो कि आपको दिखाए थे उस प्रकार से। तो पहला लेते हैं, सिंपली दोनों PNG ऐड हो चुका है, जितना हो चुका है इतना होने के बाद से अपने जो रोज के हैं कुछ इस तरह एडजस्ट करेंगे, जो कि मैं आप लोग बार बार बता दे रहा हूँ कि साला जितना PNG में ऐड किया हूँ सभी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आप लोग को वहाँ से नहीं मिल पा रहा है अगर आप लोगों को डाउट नहीं हो पा रहा है, बहुत भाई भाई ऐसे हैं जो बोल रहे हैं डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप लोग को सिंपली मिल सकता है। तो इतना कर लेंगे, इतना इधर से बैठा लेंगे, अच्छे से आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा जो कि अच्छा दिखे, इतना कर लीजिएगा। मैं भी थोड़ा अच्छा से बैठा लेता हूँ जो कि कुछ इतना है, आप लोग भी इस प्रकार से थोड़ा कर लीजिएगा। जो कि हम लोग का एडजस्ट हो चुका है, आप लोग इसी तरह कर सकते हैं। इतना करने के बाद से फायर PNG इस प्रकार से इसको भी ऐड कर लीजिएगा, तो इसको बढ़ा लीजिएगा और ऐड कर लीजिएगा इस तरह। इस तरह आप लोग ऐड कर लीजिएगा, जब लोग दिखा दे रहा हूँ ऐड करने के बाद से इरेज कर देंगे जितना साइड का पार्ट है, आप चाहें तो उस तरफ भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह रहेगा तो लगेगा कि एकदम जो फायर है वो गुलाब में से निकला है, जो रोज फूल में से एकदम निकला है, तो इस तरह रहेगा तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिखेगा इसका लुक। और देख सकते हैं थोड़ा बाकी जो पार्ट है इसका बच गया है, इधर से इधर देख सकते हैं कुछ पार्ट बच गया है, तो इसे करेंगे क्लिक करेंगे फायर पर डुप्लीकेट कर लेंगे, और इसको यहाँ से एक बार और ऐड कर लेंगे। इतना करने के बाद से जो इरेज इरेज क्लिक करेंगे और इसको ऊपर से ड्रॉ कर देंगे, इधर से ड्रॉ कर देंगे, और जहाँ आप लोगों का है वहाँ आप लोग ला लेंगे, इधर पत्थर चाहिए जहाँ जहाँ आप लोग चाहिए वहाँ ला लेंगे, बाकी के पार्ट को इरेज कर लेंगे कुछ प्रकार से रहने देंगे। इतना कर लेंगे आप लोग, इतना करने के बाद से थोड़ा ऑपोजिटिव कम कर देंगे, ऑपोजिटिव कम करेंगे तो अंदर का जो रोज आप लोग का दिखेगा, रोज दिखेगा तो कुछ रियलिस्टिक थोड़ा दिखेगा आप लोग को, रोज दिखेगा तो थोड़ा अच्छा दिखेगा आप लोगों को। कुछ इस प्रकार से हो चुका है हम लोग का फोटो, तो आप लोग भी कुछ इस प्रकार से कर लीजिएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं कितना है आसानी से हम लोग कर लिए कुछ इस प्रकार का फोटो, जो कि ऐड हो चुका है। इतना करने के बाद से अपने जो फोटो में लिखे हैं हम जो लगाए हैं आई लव यू, और लड़की जो बोली है आई डोंट लाइक, तो इस प्रकार का PNG ऐड कर लेते हैं पहले, जो कि देख सकते हैं हम लोग सारा PNG यहाँ ऐड हो चुका है। तो हम कुछ इस प्रकार से बैठा ले रहे हैं, जल्दी जल्दी आप लोग भी कुछ इस प्रकार से बैठा लीजिएगा। पहले हम जो बोले हैं आई लव यू, जो कि बोले हैं आई लव यू, इस फोटो इस PNG को अपने साइड में लगाएंगे और ब्रांडिंग पे आएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि डार्कन कर देंगे, डार्कन करेंगे तो कुछ कुछ जो दिख रहा था डॉट वो हट जाएगा, और कुछ इस प्रकार से हम सेट कर लेंगे। देख सकते हैं आई लव यू जो लिखा है देख सकते हैं, और लड़की बोली है आई डोंट लाइक, तो इस प्रकार से आप लोग शॉर्ट सेट कर सकते हैं। तो सॉरी पर लिख रहेगा जो बोली है सॉरी आई डोंट लाइक, लड़की बोली है इस प्रकार से, तो इसको यहाँ ऐड कीजिएगा और इसको भी ब्लेंडिंग पाइएगा और इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस प्रकार से, मल्टीप्लाई कर लेंगे सॉरी। इतना करने के बाद से आई अब लेकर आएंगे आई, जो कि देख सकते हैं कितना मेहनत करके एक एक PNG को इधर उधर से डाउनलोड किया हूँ और लाया हूँ, इसको भी लाइएगा और इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आई सॉरी आई डोंट लाइक, इस तरह है कुछ इस प्रकार से है सॉरी आई डोंट, तो जो डोंट है इसको इधर लेकर आएंगे, बैठाएंगे अच्छे से एडजस्ट करेंगे इस तरह से, और ब्रांडिंग पे आएंगे इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, डार्किंग कर लेंगे, डार्किंग करने के बाद से इस तरह से अच्छे से आई डोंट थोड़ा बढ़ाएंगे, मतलब अच्छे से आप लोग जानते ही होंगे अच्छे से थोड़ा एडजस्ट करेंगे। तो अगर हम इधर पे क्लिक करेंगे, इधर पे क्लिक करने के बाद से जो कट दिखा है आई डोंट कट नीचे जो है इसको मिटा देंगे, क्योंकि हम केवल हमको डोंट चाहिए, आई डोंट लाइक जो केवल है लाइक है, तो इसको लाइक इस तरह यहाँ लग आएंगे, इसको भी आएंगे ब्रांडिंग पर मल्टीप्लाई डार्किन कर लेंगे, तो इस प्रकार से आई डोंट लाइक बढ़ा लेंगे, ये इस तरह से बढ़ा देंगे। पहले सबको थोड़ा छोटा छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि बड़ा है तो काफ़ी बेकार दिख रहा है, बड़ा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हो गया हम लोग का, आप लोग अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा सॉरी आई डोंट लाइक,
तो इसको भी क्लिक करेंगे लाइक पर, और जो इधर का पार्ट दिख रहा है आप लोगों को बेकार पार्ट सबको डिलीट कर लेंगे, इधर कर लेंगे, डन करेंगे और इसको भी अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। आई डोंट लाइक, इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। इतना होने के बाद से ये जो डिसलाइक पीएनजी है इसको आएंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो ठीक है मल्टीप्लाई कर लेंगे। इतना करने के बाद से इसको भी अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। देख सकते हैं किस प्रकार से ऐड हो चुका है, आप लोग आसानी से ऐड कर चुके हैं। ऐड करने के बाद से एक पीएनजी आप लोग मिल जाएगा, जो कि दिखा दे रहा हूँ कौन सा पीएनजी है, जो कि ये वाला पीएनजी है। इसको बड़ा कीजिएगा इस प्रकार से, जो मान लीजिए आपको सबको दिखाया हूँ, भी लगाना पड़ेगा, इस तरह स्क्रीन कर दीजिएगा और इस प्रकार से यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। देख सकते हैं क्या ही गजब का लुक आ चुका है इस फोटो में, देख सकते हैं जो कि कमाल का दिख रहा है एकदम, जो कि हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं पहले, जो कि देख सकते हैं हम लोग इस प्रकार से हो चुका है, क्योंकि थोड़ा और थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ कुछ इस प्रकार से। इस तरह होने के बाद से डन कर लेंगे, जो हम लोग इतना काम हो चुका है। अपने अपने जो हैंड है उसमें टैटू लगाना है तो लगा लेते हैं पहले। देख सकते हैं हम लोग दोनों जो दोनों पी एन जी हैं एड हो चुका है, तो कुछ इस पी एन जी को इधर आएंगे और इसको भी डार्किन कर लेंगे। डार्किन करने के बाद से अच्छे से इसको एडजस्ट करेंगे, इस तरह लगाए हैं, देख लेते हैं पहले किस तरह लगाए हैं। सो हम लोग कुछ इस प्रकार से लगाए हैं, तो मैं देख लिया कि मतलब मान लीजिए भूल जाऊंगा तो सोचेंगे कि उसमें कुछ दूसरे टाइप से था और इसमें कुछ दूसरे टाइप से है, तो इसीलिए बता दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार से कर लीजिएगा। करने बस इरेजर का जितना अधिक पार्ट है सब आप लोग इरेजर कर लेना है, इस प्रकार से आप लोग इरेजर कर सकते हैं। इरेजर करने के बाद से डन करेंगे, डन करने के बाद से इसको ओपेसिटी की थोड़ा कम कर लेंगे, क्योंकि ओपेसिटी कम रहेगा थोड़ा रियलिस्टिक थोड़ा दिखेगा, कुछ 70 कर लेते हैं। इतना करने के बाद से ये जो पीएनजी है इसको भी ऐड कर लेते हैं, इसको देख लें यहाँ ऐड किए हैं, तो इसको भी यहाँ ऐड कर लीजिएगा आप लोग अपने अच्छे से, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। डार्किन अच्छा लगेगा, डार्किन करने के बाद से अपने साइज को छोटा कीजिएगा, छोटा करने के बाद से कुछ इस प्रकार से इसे यहाँ ऐड कर दीजिएगा, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ऐड कर लेंगे, जो काफ़ी बेहतर दिखेगा। ऐड करने के बाद से जो ये बाकी अधिक पार्ट है इसको इरेज कर लीजिएगा, इरेज करने डन कीजिएगा और ओपेसिटी को कम कर दीजिएगा, जो कि इसको भी 70 रन दीजिएगा। ऐड करने के बाद से डन कीजिएगा। फाइनली हम लोग का पिक्स आर्ट का जो काम है वहाँ हो चुका है, और वहाँ एक और काम है आप लोगों का, जो हम लोग का रियलिस्टिक बनाना है, तो थोड़ा हम लोग का मेहनत करना ही पड़ेगा। जो हम लोग का आइज है इसके अंदर थोड़ा रेड रेड डालेंगे, रेड करेंगे थोड़ा, दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। इसको हार्डनेस क्लियर कर लीजिएगा और इस तरह आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा, जो कि लगेगा कि आप लोग जिसे एकदम कि एकदम आप लोग सैड में है, इस तरह थोड़ा फोटो सैडनेस थोड़ा लगता है। इस तरह आप लोग कर लीजिएगा, जैसे जैसे देख सकते हैं कुछ इतना हो चुका है। इतना करने के बाद से आप लोग को थोड़ा इधर उधर भी कर लेना है, जो कि दिखेगा कि हाँ एकदम रोए हैं, तो उस तरह रियलिस्टिक दिखेगा। इतना करने के बाद से अमाउंट को थोड़ा कम करेंगे और सिचुएशन को थोड़ा कम करेंगे, जो कि आप लोग देख सकते हैं थोड़ा कम हो गया है, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और हम लोग का आज भी रेड रेड दिख रहा है, जो कुछ इस प्रकार से हो चुका है। हम लोग आज थोड़ा और रेड कर लेते हैं, तो इतना करने के बाद से एक बार और आएंगे और रेड टोन को सेट करेंगे। सेट करने के बाद से अपने आइज को थोड़ा रेड कर लेंगे, अंदर का जो आइज है रेड कर लेंगे, देख सकते हैं उनका रेड हो चुका है। इतना काफ़ी है, डन कर लेंगे। और आप लोग का एक बार पीएनजी लगाना है, जो कि ये रहा जो हम लोग का आंसू का पीएनजी है, इसको भी आएंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको कुछ इतना मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग भी, इस तरह करेंगे और यहाँ अच्छे से यहाँ से डन इस तरह एडजस्ट कर दीजिएगा आप लोग भी, अच्छे से कीजिएगा तो अच्छे से हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई ही अच्छा है, इतना ही रहने देंगे। और इतना करने के बाद से आप लोग मतलब अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर ले रहा हूँ। देख सकते हैं हम लोग का एक तरफ से लग चुका है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और एक इधर इधर अच्छा रहेगा ये वाला,
देख सकता हूँ, देख लेता हूँ पहले किधर लगाया हूँ मैं, जो कि इसमें इधर लगाया हूँ, आप लोग देख सकते हैं जो कि मैं दिखा दे रहा हूँ, इसमें इधर लगाया हूँ, इसमें देख सकते हैं इधर लगाया हूँ, इसमें इधर लगाया हूँ, इस टाइप से पहले लगा लेते हैं हम। तो यहाँ क्लिक करेंगे और कुछ इस टाइप से क्लिक करने के बाद से इरेजर पर क्लिक करेंगे और जो ये बड़ा वाला है इसको इरेज कर लेंगे, नॉट डन करेंगे और डुप्लीकेट बनाएंगे एक, इसको डुप्लीकेट करने के बाद से इसको इधर से एक बार बार सेट कर लेंगे यहाँ, जो कि देख सकते हैं कि काफ़ी मैं रियलिस्टिक बनाया हूँ, जो कि तब रियल दिख रहा है। इतना करने के बाद से इसको डुप्लीकेट करेंगे और इधर आप लोग सेट कीजिएगा, इधर लगाइएगा, यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगाने के बाद इसको एक बार डुप्लीकेट कीजिएगा और कुछ इस प्रकार से सेट कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा एक और डुप्लीकेट करके, कुछ इधर लगा दीजिएगा, जो कि देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हो चुका है। कुछ इतना हो जाने के बाद से आप लोगों को, आप लोगों को अगर इतना ज़्यादा नहीं लगाना है, इसको थोड़ा कम रखना है, तो इसको इरेज कर लेता हूँ, इसको कट कर दे रहा हूँ, इसको दो ही रन देता हूँ, दो ही इतना अच्छा दिख रहा है। करने के बाद इधर डन करेंगे, आप लोगों को डन करने के बाद से इस फोटो को आप सेव कर लेंगे। फाइनली हम लोग काम यहाँ हो चुका है, करने के बाद से डन करेंगे अपने फोटो को, डन करने के बाद से अपने फोटो को हम लोग अपने लाइट रूम एप्लीकेशन में शेयर करेंगे। तो फाइनली मतलब फोटो गैलरी में सेव हो चुका है, अपने फोटो को हम अपने लाइट रूम एप्लीकेशन में शेयर करते हैं, जो कि वहाँ से थोड़ा और कलरफुल हो जाएगा हम लोग का फोटो और काफ़ी रियलिस्टिक दिखेगा। ना करने के बाद से यहाँ से अपने फोटो को शेयर करते हैं अपने लाइट रूम एप्लीकेशन में, तो हम लोग फोटो एड हो चुका है। एड करने के बाद से लाइट पर आएंगे और हाईलाइट को हल्का सा कम करेंगे, शैडो को बढ़ाएंगे और वाइट को कम करेंगे, ब्लैक को भी थोड़ा कम कर देंगे। इतना करने के बाद से कलर पे आएंगे, मिक्स कलर पे आएंगे, रेड टोन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और ह्यू को थोड़ा सा माइनस करेंगे और सिचुएशन को 12 कर देंगे, ह्यू का माइनस 11 कर देंगे। इतना करने के बाद से ऑरेंज टोन पे आएंगे, इतना आने के बाद से ऑरेंज टोन को हल्का सा माइनस करेंगे, हल्का ज़्यादा करेंगे तो आप लोगों को फायर PNG बेकार दिखने लगेगा। इतना कर लेंगे, इतना करने के बाद से इसको सिचुएशन को माइनस 4 कर देंगे, लुमिनस को चाहे जितना चाहे इतना गोरा रख सकते हैं, ज़्यादा गोरा रखेंगे, हल्का सा गोरा रखना है, इतना गोरा हम लोग अच्छा दिख रहा है। इतना करने के बाद से अपने येलो टोन पे आएंगे, येलो टोन पे आने के बाद से उसको बढ़ा देंगे, बढ़ाने के बाद से बढ़ाएंगे तो आप लोगों का जो फायर PNG थोड़ा रियल दिखेगा। तो इतना कर लेंगे, इतना करने के बाद से ग्रीन पे ग्रीन को बना लीजिए, क्योंकि आप लोग जो देख सकते हैं जो हम लोग का जो गुलाब का जो पत्ती है किसी इस प्रकार का जो ग्रीन है, तो उसको ग्रीन करना ही है, तो ग्रीन रहने देंगे। ग्रीन करने के बाद से जो ये वाला है ब्लू टाइप का है, इसको माइनस कर देंगे और इसको बढ़ा देंगे, इसको भी कुछ इतना ही रहने माइनस कर देंगे और इसको बढ़ा देंगे। जो पर्पल कलर का है, बैगनी कलर का है, पर्पल कलर का बढ़ा देंगे और इसको भी हल्का से बढ़ाएंगे या नहीं। करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस प्रकार था, इस प्रकार से हो चुका है। इफेक्ट आएंगे, टेक्चर को हल्का से बढ़ाएंगे, दहेजा जो है दहेजे इसको बढ़ाएंगे, हल्का से बढ़ाएंगे ज़्यादा नहीं, जो कि 15 ठीक है, इसको भी 15 कर लेते हैं, 15 कर लेंगे। इतना करने के बाद वीग्रेट को माइनस करेंगे, इतना कर लेने के बाद से डिटेल पे आएंगे, बढ़ाएंगे शार्पन को, बढ़ाएंगे कुछ कलर रिजेक्शन खुश बढ़ाएंगे और डिटेल्स स्मूथ को फुल कर देंगे। देख सकते हैं हम लोग का फोटो कुछ इस प्रकार से रेडी है। इतना हो जाने के बाद से आप लोग अगर फोटो क्वालिटी अगर कम हो जा रहा है, अगर आप लोग का फोटो मान लीजिए इतना हो चुका है, हम लोग फोटो तो रेडी है, और इतना के बाद आप लोग अगर फोटो क्वालिटी अगर मतलब बेकार दिख रहा है थोड़ा, मतलब फोटो लग रहा है कि क्वालिटी कम हो गया है, तो आप लोग रिमेनिंग एप्लीकेशन में शेयर कर लीजिएगा। तो पहले अपने फोटो को दोनों यहाँ से ऑन कर लेंगे, अपने फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे, तो आप लोग बता दे रहे हैं रिमेनिंग एप्लीकेशन कौन सा है, जो कि ये वाला रिमेनिंग एप्लीकेशन है, दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, यही वाला रिमेनिंग है। आप लोग यहाँ शेयर करके एक्टिव कर सकते हैं, हम लोग जानते ही होंगे। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद। हम लोग वीडियो वहाँ तक कंप्लीट होती है। और आप लोगों को एक बार और बता दूँ, और कोई PNG डाउनलोड करना हो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग PNG मिल जाएगा। धन्यवाद।